आजम मौजूद हैं राजधानी के YWCA के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर फेस ऑफ इंडिया की तरफ से एक ब्यूटी प्रेजेंट रनवे फैशन भी अवार्ड शो का आयोजन किया जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के आयोजक जय सूर्यवंशी। जय सूर्यवंशी जी, जो ये कार्यक्रम आप आयोजित करने जा रहे हैं जी, इसके पीछे क्या मकसद है? एक्चुअली सर, हमारा मकसद है कि ट्रैक पे आना। हमने अवार्ड शो में एक तीन शो हम इसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तीन दिन का इवेंट होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर अवार्ड शो के बारे में। अवार्ड शो हम उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो अपने फील्ड में एक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। लाइक अगर मैम एक डॉक्टर हैं तो मैम भी अपना नॉमिनेशन इसमें डाल सकती हैं। हम उन्हें एक भारतीय स्तर पे, एक अच्छे लेवल पे हम उनका रिगार्ड्स देंगे, उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे सर। दूसरा सर, फैशन शो। एक्चुअली क्या है कि आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक स्टाइल है सर, वो एक फैशन है, और आने वाले टाइम में कुछ और लोग पहनेंगे। हमारे पेरेंट्स कुछ और पहनते थे, तो उस पूरे कल्चर को, जो इंडिया का जो कल्चर है, जो हरियाणा का जो कल्चर है, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फैशन के थ्रू सर, अपने आज के यूथ के थ्रू। क्योंकि हमारी जो पहले की जो वेशभूषाएं थी, आजकल के बच्चे उसको भूलते जा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या पहनते, लाइक धोती, कुर्ता, दामन, इन सब चीज़ों को ना भूलते जा रहे हैं। तो हम चाहते कि उन चीज़ों को एक बार फिर से हम फैशन के थ्रू दिखाया जाए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि हाँ, हमारे पास्ट में ये चीज़ें होती थी और आज ये हैं। और ऐसा ही नहीं है, हम इसको सिर्फ ट्रेडिशनल पे कर रहे हैं, हम इसमें हाई फैशन भी लॉन्च करने वाले हैं। हाई फैशन का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रीट वियर से लेकर और हाई फैशन जो एकदम ट्रेंड बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ भी हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। और इसके साथ में ही सर, हम एक इवेंट भी लॉन्च करने वाले हैं, हिंदुस्तान रेसलिंग चैम्पियनशिप। उसमें क्या होता है, जैसे WWE में हम जो फाइट देखते हैं, तो फाइट का पूरा हम उसमें प्रावधान करेंगे। और मेरे पास अभी नेशनल लाइसेंस है, तो उसी के चलते हुए हम सिर्फ इंडिया के जो रेसलर्स हैं, टॉप रेसलर्स हैं, वो उसमें फ़ाइट करेंगे। उसमें कोई भी सेलिब्रिटी है, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ आएंगे। और इसके जरिए जो हम जो फाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि आजकल क्या होता है कि जो मोस्टली यूथ हैं वो दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं, रात में क्लब में जाग रहे हैं, नाइट में ड्रग ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। उन सबको छोड़ के उनको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए, फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो आगे जाके कंटिन्यू कुछ लॉन्ग टर्म तक कुछ भी कर सके जी। बहुत खूब, थैंक यू सर, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माया राठौर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। शी इज IFBB ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ फिगर कैटेगरी। डॉक्टर माया राठौर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? इवेंट आई एम हैप्पी टू कोलैबोरेट विद दिस, क्योंकि इस इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि इट हैज़ अ वेराइटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैशन शो है, जैसे इसमें स्पोर्ट्स है, अलग अलग कैटेगरीज है, मॉडल्स है, डिज़ाइनर्स है, अलग अलग क्षेत्रों को इन्होंने प्रमोट किया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज़ वाई एज अ फिटनेस लेवल पे मुझे, जैसे एज आई एम अ डॉक्टर एंड अ फिटनेस एथलीट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शोज़ को प्रमोट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदर देन ओनली एक रैम्प वॉक फैशन शो को ये करना जहाँ पे सिर्फ मॉडल्स है। अदर देन आप सारे क्षेत्र के लोगों को इसमें मोटिवेट करो एंड यू नो गिव देम, बूस्ट देम दैट कॉन्फिडेंस दैट दे कैन डू विद दिस, नॉट ओनली मी, big of the athletes like Vipin Peter sir, who is into such a list of lot of medals. He also thinks that fitness is very important and supporting fitness people is very important, and that's why he is also over here, and I hope to have another word with him. Thank you. Thank you very much for express of time for us. Yeah. Hamare saath Vipin Peter, jo ki 2 times Mr. World silver medals nawaza ja chuka hai, इसके अलावा 2 times मिस्टर इंडिया गोल्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है, और MHO ओलंपिया सिल्वर। इस तरह से इन्होंने एक हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है, हमारा सबका सर उचक है। पीटर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में जी। आप इस इवेंट के बारे में क्या कहें? जैसे इन्होंने बोला, वो कल्चर को वापस लेके आना है, वो I felt very good about that, and ऐसे shows और भी होना चाहिए fitness related, जो awareness लोगों में पहुँचाना इनका जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा से प्राप्त होना चाहिए। It's very nice, I'm so lucky ऐसे show में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया है। थैंक यू।
we are also here to promote about the two brands which we represent as an ambassador, and he is the owner of it. With this face of India, we are also promoting the two brands which we are, I as a brand ambassador of Maharashtra represent, and Vipin Peter sir is the wholesale owner of it, and he will definitely let you know what the brand we are talking about. Yeah, we are doing two brands. One is Peter's Gym franchisee and one is Voltrix Fitness Equipments, जहाँ पे customized fitness equipments हम manufacture करते हैं according to clients' needs with the bestest biomechanics available. बिकॉज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना टीम है पूरा एथलीट का टीम है जो इंडिया के नाम बहुत ऊँचा कर दिया है जो एथलीट्स है और बहुत सारे एथलीट्स हमारे साथ में है. सो ये एथलीट्स इक्विपमेंट्स चेक करके बायोमैकेनिक्स ओके करने के बाद ही हम प्रोसेस में लेते हैं. सो वी आर डूइंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम अदर ब्रांड्स. सो It's like from champion to built a champion, like yeah. kind of logo yeah. we have kept, and we are we have just don't have a team which just checks with your instrument. We see the safest mode of equipments, and that is tested by the higher core of bodybuilders. Like हम सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहे, तो जो जो लोगों ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपने आप को विन करके प्रूव किया है देयर पोटेंशियल्स, लाइक वी हैव नेशनल्स एथलीट्स, वी हैव इंटरनेशनल एथलीट्स, वी हैव वर्ल्ड चैंपियंस इन आवर लिस्ट, सो ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव पीटर जिम्स फ्रेंचाइजी विच वी आर ऑल ओवर इंडिया टुडे, एंड दैट इज़ हाउ वी आर प्रमोटिंग फिटनेस. वेर एवर फिटनेस इज देयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल विद देम, यू नो. So that's how we all here. So and this is one of our favorite from all over Bombay. We have come to Delhi to be representing this Face of India Awards, which is going to be on 17 July 2022 at 10:30 a.m. So please do register in a large amount and make it a good event successful. Yes. Yes. थैंक यू सो मच. अच्छा जैसा जैसे कि आपकी टीम भी मौजूद है, टीम से थोड़ा इंटरव्यू सुना देंगे. ये है हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही अजीज मित्र भी है और साथ ही अच्छे मॉडल भी है, जो कि फिटनेस मॉडल भी है और साथ में अच्छे फैशन को भी प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्म बहुत अच्छी तरीके से. और ये सुनैन आर्या है, सिंस ऑर्गेनाइजर ऑफ फेस ऑफ इंडिया. और ये है मिस्टर विजय, ये भी ऑर्गेनाइजर है, काफ़ी हार्ड वर्कर है दोनों और मेरे से ज़्यादा मेहनत यही करते हैं जी. मेरा अगला सवाल विजय जी से, सर प्रोग्राम के बारे में और अपने इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी हमने एक एडवर्टाइजमेंट की थी जिसमें हमने बताया गया था कि बच्चों से बार बार में रजिस्ट्रेशन चार्ज लिए जा रहे हैं फील्ड के अंदर. तो हम ये कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उससे हम नेक्स्ट पूरे टू इयर्स थ्री इयर्स हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं आगे बढ़ाने का. तो उन्हें हम पोजीशन देते हैं, वो एक सक्सेस मॉडल बना के ही एक लास्ट स्टेप देते हैं उन लोगों को कि भाई आप आपसे फ्रीडम हो. और हम वन टाइम चार्ज करके उनको आगे कम से कम 3 से 4 शोज देंगे, उनका पोर्टफोलियो पूरा प्रोफाइल और उनका एक हार्डवर्क है गूगल तक पहुँचाना, उनके आर्टिकल्स लगवाने हमारे हाथ में होते हैं. तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े, जैसे कि वो तो मैंने भी देखा है पोर्टफोलियो आपने कराया था जी. और अभी कुछ दिन पहले एक्चुअली हमने 180 बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो करे थे, उसमें हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, वो हमने अपने एनजीओ की तरफ से उनको एज ए गिफ्ट दिया था हमने यूथ को जी. जी सुनैना आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा शो जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये सभी बच्चों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे कि बच्चे डांसिंग सिंगिंग मॉडलिंग सब चीज़ें यहाँ पे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन के थ्रू फुल फीस पे करने के बाद ही आते हैं. कुछ कंटेस्टेंट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक स्पेशल कोटा होता है, उस कोटे के थ्रू हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देते हैं.
और आगे जो भी विनर होते हैं उनको हम अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक मूवीज वगैरह, एड वगैरह, पेड एड हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेन मोटिव है बच्चों को आगे ले जाना और सही एंड सेफ रास्ते से उनको आगे लेके जाना। जो भी हमने ये पोर्टफोलियो शूट जो हमने अभी रखा था, ये क्या होता है कि मोस्टली चार्जेबल होता है, 5,000 से मिनिमम चार्ज होता है। तो बच्चे कई ऐसे होते हैं कि वो अपना वो फर्स्ट स्टेप भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, नहीं होता 5,000 रुपये भी कुछ बच्चों के पास देने के लिए। तो फर्स्ट जो स्टेप था वो हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया था कि एटलीस्ट पोर्टफोलियो उनका रेडी हो तो वो किसी भी फील्ड में उसको यूज़ कर सके, हमारे पास ही नहीं किसी भी फील्ड में वो उसको यूज़ करे। तो ये हमारा मेन मोटिव है बच्चों को आगे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे JSF वर्ल्ड प्रोडक्शन के साथ में जुड़े हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे JSF वर्ल्ड प्रोडक्शन? See, as I said earlier, because it's not only about fashion show, it has multi-talented people on the stage, and that is why we are happy to be here to with them, and that itself makes it very special, you know. So I don't need something words to express it. So really, thank you so much for that. Yeah, Mr. Krishna, same yes. question for you. Same answer. thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you.